यार आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या बोलूं, क्योंकि दोनों ही फिल्म देखकर मैं काफी इमोशनली टची हो चुका हूँ, काफी इमोशनल फील कर रहा हूँ। मैंने जस्ट दोनों फिल्म देखकर आया, और मुझे जब ये फिल्म दोनों रिलीज हुई तब मुझे टाइम नहीं था ये फिल्म में देखने का, क्योंकि मैं बहुत कहीं पे बिजी था। लेकिन फाइनली मैंने काफी रिव्यूज पढ़े, और इसमें से एक मूवी की बहुत लोगों ने तारीफ की जो कि बनती भी है और बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन दूसरी मूवी के बारे में काफी बड़े बड़े क्रिटिक्स ने काफी नेगेटिव बात बोली, जो कि सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। इसीलिए फाइनली मैंने सोचा कि दोनों ही फिल्म जाके देखूं, तो मैंने दोनों ही फिल्म जाके देख लिया। और मैं आप लोग से इतना बोलूंगा, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को सही और जेन्युइन बात बताना है, मैं कहीं से सुनी सुनाई या फेक बातें नहीं करता हूं। मेरा मकसद है कुछ अच्छी मूवीज आप लोग तक पहुंचाना। अगर आप लोगों ने ये दोनों ही मूवी को नहीं देखा है, और दोनों ही मूवी के बारे में अगर आपने कहीं से नेगेटिव बात सुनी, तो ये वीडियो देखने के बाद शायद आपकी जो सोच है वो बदल जाएगी, और आप जरूर जाके ये दोनों ही मूवी देखोगे, क्योंकि इस हफ्ते ये दोनों ही मूवी रिलीज हुई है, और दोनों ही मूवी अपने आप में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाई गई है, और दोनों ही मूवी से आप इमोशनली कनेक्ट हो सकते हो। मैं आप लोग से पहले बता रहा हूं, दोनों ही मूवी से आप इमोशनली कनेक्ट हो गए, और एक मूवी देखकर आंखों में आंसू आ गए। अब वो कौन सी मूवी और कौन सी मूवी मुझे पर्सनली अच्छी लगी इन दोनों में से, चलिए इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और हाँ इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग शेयर करोगे तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स लोगों को बढ़ावा मिलता है, और हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं, और जो जेन्युइन और जो सच बात है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तानाजी मूवी के बारे में, जिसके बारे में काफी बड़े बड़े क्रिटिक्स ने नेगेटिव बात बोले। तो मैं क्रिटिक्स लोग की बात तो नहीं सुनता, तो खुद देखो और खुद डिसाइड करो। खैर इस मूवी के बारे में बात करते, देखिए मैं इस मूवी की कहानी तो आप लोगों से नहीं शेयर करूं, क्योंकि अगर मैं आपको इस मूवी की कहानी बता दूंगा तो जो मूवी देखने का जो मजा है वो मजा खराब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता ये मास्टरपीस देखने का जो मजा है वो मजा खराब हो। देखो हिस्टोरिकल फिल्में कहे या पीरियडिकल फिल्में कहे, ये फिल्मों का एक अपना ही मजा है। जिन लोगों को हिस्ट्री के बारे में नहीं पता तो वो लोग इस तरीके की फिल्में जाके जरूर देखे। हालांकि मैं मानता हूं कि इस तरीके की फिल्मों में कुछ लिबर्टी ली जाती है, क्योंकि देखिए अगर आप कमर्शियली इस फिल्मों को नहीं बनाएंगे तो लोग जो देखना चाहते हैं वो लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि लोगों को एक बोलते ना मसाला टाइप चीजें चाहिए रहती है। लेकिन अगर मैं इस मूवी की बात करूं तो ये मूवी अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, अगर आप महाराष्ट्र में नहीं भी रहते तो भी आप तब भी आप उनके बारे में जानते होंगे, क्योंकि उनके बारे में हिस्ट्री में काफी कुछ लिखा गया। वो ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में आई थिंक मैं बहुत छोटा हूं इस चैनल पे कुछ बताने के लिए, लेकिन ये मूवी उन पर बेस्ड नहीं, मगर ये कहानी उनके सूबेदार श्री तानाजी मालुसरे के ऊपर है, उनके बलिदान के ऊपर, उनके सेक्रीफाइस के ऊपर है। मतलब उनका जो जज्बा था वो जिस तरीके से अपने स्वराज के लिए, अपने माटी के लिए, अपने मराठा वॉरियर्स के लिए जिस तरीके से खुद को कुर्बान कर दिए, उनके ऊपर बनाई गई ये फिल्म है। और मैं ये फिल्म को देखकर इतना ही कह सकता हूं कि अजय देवगन ने और उनकी पूरी टीम ने कमाल का काम किया है यार, कमाल का। मतलब ये फिल्म में वो सब कुछ देखने को मिला जो एक ऐतिहासिक फिल्म में होना चाहिए। और ये फिल्म जैसे शुरुआत होती है ना भाई, जैसे अजय देवगन की एंट्री होती है वहीं से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और अपने आप में एक इतिहास में आप लोग पहुंच जाते हैं, और आप लोग उनके दर्द को फील कर पाते हो, क्योंकि इसमें जितने भी इमोशनल सीन्स बताए गए ना आप इजिली तानाजी मालुसरे के फैमिली से आप कनेक्ट हो जाओगे। मराठा जितने भी मराठा वॉरियर्स है जिनके बारे में आप लोग बुक्स में कभी नहीं पढ़ोगे वो आपको इस फिल्म में जानने को मिल जाएगा। और मैं आपसे इतना ही बोल सकता हूं कि तानाजी मालुसरे, श्री तानाजी मालुसरे में इतना बोलोगे बहुत ही जाबाज, बहुत ही जोशीले और ऐसे इंसान थे वो कि मतलब हैट्स ऑफ। मैं उनके बारे में इस मूवी के थ्रू जितना जान पाया असल में मुझे खुद भी नहीं पता था। हालांकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं लेकिन मुझे बिल्कुल भी इनके बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि देखिए इनके बारे में बुक्स में आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मिलेगा। लेकिन आज मैंने सूबेदार श्री तानाजी मालुसरे के बारे में जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और बहुत ही इमोशनल भी फील कर रहा था। और इस मूवी की एंड में मुझे काफी मतलब मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, और मैं कहीं ना कहीं इस फिल्म से इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुका कि मैं आपको बिल्कुल भी वर्ड्स में बता नहीं सकता। खैर मैं आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट करता कि अगर आप लोग ने ये मूवी नहीं देखी तो भाई आप लोग ये जाके जरूर देखना। आपको हमारे इतिहास के जो महान वॉरियर्स है जिनने हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ किया, क्या कुछ सेक्रीफाइस किया, ये सब कुछ जानकर आपको बहुत खुशी होगी और बहुत ही गर्व महसूस होगा कि हमारे हिंदुस्तान के इन वॉरियर्स के ऊपर। तो जाके जरूर देखना। अब मैं बात करता हूं इस मूवी की परफॉर्मेंस की, थी कि अजय देवगन ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया, लेकिन मुझे पर्सनली यहाँ पर सैफ अली खान जिन्होंने यहाँ पे रोल प्ले किया उदयभान सिंह राठौड़ का, उन्होंने इतना जबरदस्त नेगेटिव किरदार निभाया कि आपको उनके स्क्रीन पर जब भी वो आते तो आपको एक खौफ महसूस होता है, और वाकई में आप बिलीव करोगे कि उदयभान सिंह वाकई में इतना ही ज्यादा खूंखार, इतना ज्यादा खतरनाक था। और सैफ अली खान ने यार इतना जबरदस्त तरीके से उस रोल को प्ले किया, उन्होंने अपने अंदाज से जो प्ले किया ना वो एक अलग हटके। और मैं इतना मानता हूं कि सैफ अली खान एक अंडररेटेड एक्टर है,
यानी कि वो इतने कमाल के एक्टर है कि आज तक बॉलीवुड को उनकी जो असली कीमत है वो समझ में नहीं आई है। और अब जितनी भी उनकी फिल्में आ रही ना वो कुछ अलग हटके करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। ये फिल्म से मैं आपको इतना तो कह सकता कि दो नॉमिनेशन तो पक्के, एक तो बेस्ट एक्टर का अजय देवगन के लिए और दूसरा बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए सैफ अली खान, दोनों इस बार नॉमिनेट 100% होने वाला है। इसके अलावा इस मूवी का जो बीजीएम है स्टार्ट से लेकर एंड तक जितने भी एक्शन सीक्वेंस देखो तो उसमें जो बीजीएम का यूज किया गया ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मतलब आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे और आप फील कर पाओगे यार मराठा वॉरियर्स का जो जोश है वो आप फील कर पाओगे। मैं इतना ही बोल सकता कि इस मूवी में किसी भी रिलीजन के बारे में गलत नहीं बताया। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, उसमें जो एक चीज बताई वो सुभेदा श्री तानाजी मालासुरे के बारे में कि उन्होंने कितनी जबर बहादुरी से लड़ाई लड़ी, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया और एंड में क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ आपको इस मूवी में देखने मिलेगा। देखिए इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो है मैं मानता हूं, लेकिन सेकंड हाफ में जैसे अजय देवगन और सैफ अली खान का आमना सामना होता है भाई, वो सीन में जो डायलॉग डिलीवरी है जिस तरीके से डायलॉग बाजी हुई है भाई पैसा वसूल है। और एंड का जो क्लाइमेक्स है कुछ अलग हटके बनाने की कोशिश की गई है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सेकेंड हाफ में आपके पूरे के पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे, तो बस ज्यादा समय मत लो भाई, ये मूवी जाके जरूर देखना। अब मैं बात करता हूँ इस हफ्ते रिलीज हुई दूसरी मूवी छपैक के बारे में। देखो छपैक मूवी सबको मालूम है कि एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल जी के ऊपर बनाई गई बायोपिक है जिसका यहाँ पे रोल प्ले किया दीपिका पादुकोण ने। दीपिका पादुकोण का इस मूवी में नाम है मालती। इस मूवी की शुरुआत होती है मालती के ऊपर एसिड अटैक हो गया, लगभग 7 साल हो चुके हैं, उसने पीएल डायर किए कि एसिड बैन होना चाहिए। उसके बाद क्या कुछ होता है, फिर पास्ट में हमें बताया जाता है कि भाई उसके ऊपर एसिड किसने फेंका, फिर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको छपैक मूवी देखनी पड़ेगी। देखिए छपैक मूवी की बात करो तो लक्ष्मी अग्रवाल जी के बारे में बात करूंगा, उनकी लाइफ बहुत ही मुश्किल बीती है और उन्होंने जिस साहस से लड़ाई की है, जिस साहस से लोगों का सामना किया बहुत ही जबरदस्त है। और मुझे शर्म आती है कि हम इस समाज में रहते हैं जहाँ पे इस तरीके के दरिंदे झाटू मातर चोद लोग रहते हैं जो इस तरीके के गैर कानूनी काम करते हैं और इतनी बहादुरी से करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड कप जीत के आ गए, इतनी ज्यादा खुशी होती। तो मैं लक्ष्मी अग्रवाल और इन जैसे जितनी भी अटैक सर्वाइवर जो लेडीज है जो बिचारी ये सब चीजों से गुजर चुकी है मैं उन लोगों से सपोर्ट करता हूं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग अकेले नहीं हो, क्योंकि इस मूवी में बहुत अच्छी चीजें बताई, जैसे कि जब उनके ऊपर एसिड अटैक होता है तो वो काफी जॉब्स के लिए घूमती है यहां वहां, तो कोई उनको जॉब काफी गलत वे में उनको देखते हैं, गलत वे में उनसे सवाल जवाब करते हैं। ये एक्चुअली मूवी समाज का आईना दिखाती है कि समाज में इस तरीके के चूतिए झाटू मादर चोद लोग रहते हैं जो इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देते हैं, इस तरीके की चीजों को सपोर्ट करते हैं। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं रियलिटी के काफी करीब है और दीपिका पादुकोण जी ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है कि आप जैसे ही फिल्म शुरू होगी तो आप ये बोलोगे नहीं कि दीपिका पादुकोण है, आप यहाँ पर लक्ष्मी अग्रवाल ही आपको नजर आएगी और उनके दर्द को आप लोग महसूस कर पाओगे। और ये फिल्म थ्रू आउट द वे काफी इमोशनल करती है और ये मतलब यार मेरे पास अल्फाज नहीं इस मूवी के बारे में। मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा, अगर आप इस हफ्ते ये दोनों ही मूवी को नहीं देख रहे हो तो यार जाके जरूर देखना, क्योंकि दोनों ही मूवी कहीं ना कहीं आपको इमोशनली एकदम झिझोड़ के रख देगी और आप खुद से सवाल करोगे यार वाकई में इस तरीके के मराठा वॉरियर्स थे और क्या वाकई में इस तरीके के समाज में लोग रहते जहां पे ऐसे मादरचोद ऐसे हैवान लोग रहते जहां पर उनको कुछ मालूम ही नहीं कि मतलब यार इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। मेरे पास आज बोलने के लिए कुछ वर्ड ही नहीं है। मैं आज आप यकीन नहीं करोगे मैं दोनों ही मूवी बैक टू बैक देखा और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दोनों ही मूवी मेरे दिल को इतना ज्यादा छुएगी। मैं ये वीडियो कहीं व्यूज पाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं कि जब अच्छी चीज होती है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे वीडियोस कोई देखे चाहे नहीं देखे लेकिन मेरा काम है आप तक के सही जानकारी पहुंचाना। तो खैर अब आपके ऊपर है कि आप लोग को ये दोनों में से मूवी कौन सी देखनी है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि दोनों ही मूवी जाके जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आता है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हाँ अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ नहीं बताया तो आप मुझे कमेंट जरूर करना और आपको इन दोनों मूवीज में से कौन सी मूवी अच्छी लगी ये भी मुझे बताना। और हाँ परफॉर्मेंस वाइज में आपको किसका ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा लगा चाहिए ये सब कुछ यार मुझे जो भी आपकी मर्जी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं हूँ राशि शेख, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दुआ में याद रखना।